कर, शेर भूखा है आज। एक बम तो फोड़ूंगा। आर्मी के लुक में क्या खतरनाक लग रही है यार। ये क्या आ गए, तो सारे पुलिस वाले आ गए। बाप रे, मैं डर गया था। मैंने कहा एक बम फोड़ा और ये क्या हो गया वहां। तो भाई ये तो नहीं है कहीं महाकालेश्वर का मंदिर? कहीं पे धूप तो कहीं पे छाया, आहा, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करण यूके ब्लॉग। तो कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली, आई होप सभी के सभी बढ़िया होंगे। तो गाइज, आज का ब्लॉग भी हमने शुरू कर दिया, और आज का हमने ब्लॉग शुरू करा है इन पहाड़ों के साथ। और मौसम तो अभी मतलब बारिश वाला बन ही रखा है, बट नहीं बन रखा। और लोहित भाई हमारे पहुँच चुके। लोहित भाई कैसे हो? बस बढ़िया हो रहा है। तो क्या कहते हैं, लोहित भाई भी पहुँच चुके हैं। अब जा रहे हैं थोड़े से एक प्यारे से ब्लॉग के लिए। अब निकलते हैं बस यहाँ से। हमने का ब्लॉग शुरू करते हैं फटाफट एक प्यारा सा। भी मैंने लोहित भाई को भी परेशान कर दिया, लोहित भाई ने खाना भी नहीं खाया। मैंने इनको बोला फटाफट आओ, एक प्यारे से ब्लॉग के लिए चल रहे हैं। तो गाइस एक काम करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लेते, सीधा निकलते हैं इसी ब्लॉग के लिए निकलते हैं। गाइस ये पता नहीं बारिश जैसा मौसम क्यों हो जाता है। अब यही समझ में नहीं आता मुझे कि जब भी हम किसी भी ब्लॉग के लिए निकले तो ये बारिश मौसम हो जाती है, और उसके बाद हमारा हो जाता है मूड ख़राब। बीच में क्या कहते हैं गाइस, एक वीडियो के कारण यूट्यूब ने मेरा एक हफ्ते के लिए चैनल रोक रखा था, तो इस वजह से मैं ब्लॉग वगैरह नहीं डाल पा रहा था। तो सभी को सॉरी कहना चाहूँगा मैं, बट अब आपके लिए डेली ब्लॉग आएंगे। अब मैं हमेशा मतलब आपके लिए डेली ब्लॉग ही करूँगा। बस उस टाइम बीच में थोड़ी सी दिक्कत आ गई थी, तब नहीं डाल पाया। और आज भी उस भाई का कमेंट आया कि आपने मेरी वीडियो नहीं डाली। हम चैनल ही से डल ही नहीं रही थी, तो गाइस मैं कैसे करता। बट आज कोई नहीं, आज वो वीडियो डल चुकी है, जाके चैनल पे जाके देख लेना। जितने भी हमारे सब्सक्राइबर, जो भी हमारे भाई लोग हमारी वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप कहाँ से हो। और अगर मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं आप लोगों के पास ज़रूर मिलने आऊँगा। अभी मेरे को कमेंट आएगा जहाँ से, तो वहाँ हम दोनों भाई मिलने आप लोगों से ज़रूर आएंगे। अब जितने ज़्यादा आप कमेंट कर सकते हो, और बस गाइस इसमें आप ये हो भगवान, अब मैं पटाखे नहीं फोड़ सकता हूँ, क्योंकि पटाखे फोड़ने में काफ़ी तगड़ा वाला चलान है। और गाइस सच्ची बता रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि ये दोनों मुझसे छूटे, तो इसलिए मैं कुछ नहीं करता। और ये बारिश क्यों आ गई यार, आज तो रेनकोट भी नहीं है। इस बार तो रेनकोट लेके आ रहा था, इस बार तो रेनकोट भी लेके नहीं आया मैं इस रोड में। और जो भी हो, चहल पहल बहुत है दिन के टाइम पे, तो जो भी रहेगी। आज थोड़ी सी धनों को ना मैं झुरकाई देता हूँ। एक मैंने इसका तेल चेक नहीं कराया गाइस, अभी मैं इसका थोड़ा सा आगे जाके थोड़ा सा तेल भी चेक करता हूँ। मौसम देखो यार तुम उधर का, बहंगा इतना तगड़ा मौसम हो रहा है वहाँ। बिल्कुल हम पहाड़ी भाषा में कह के नहीं, कौपा ठहराव था। बाकी इस तरह मौसम ठीक है, बस हल्के हल्के छींटे पड़ रहे हैं, मतलब काफ़ी बारीक छींटे पड़ रहे हैं। इतने छींटे उसमें हम नहीं रुकते, हम तब रुकते जब बहुत ही तेज़ आ जाता है। इतने छींटों पर हमको नहीं रोक सकते, बट मेरे को संभावना लग रही है कि बारिश आएगी, क्योंकि सुबह से ना गाइस, सुबह से मौसम बन रखा है बारिश का। बट मुझे लग रहा है कि आज यह आ ही जाएगी। पहली बार गाइस ऐसा ब्लॉग रहा है मेरा जिसमें मैंने एक भी पटाखा नहीं फोड़ा, क्योंकि लोहित भाई भी पीछे से मुझे मना कर रहे हैं, कह रहे गुरु जी मत करो और ठीक नहीं है, ऐसे में चलान वगैरह कभी कट जाएगा। तो गाइस मैं थोड़ा सा इसी वजह से रुक गया, क्या किया जाए। जब कोई इंसान पर कोई बात बोलता है तो गाइस मैं सुनता हूँ हमेशा, ये कलमट कब ठीक होंगे। और वैसे ठीक भी है, कोई इंसान तेज़ आएगा तो उसे ध्यान, बच कोई फर्स्ट बार आएगा तो उसके लिए दिक्कत है। बाकी हमें तो चलो पता ही है कि यहाँ काम चल रहा है। उस दिन यहीं पे कहीं पे लोहित भाई का चश्मा खोया, बट आज कहाँ, आज तो ज़्यादा दिन हो गए, कम से कम हफ्ते भर से ऊपर का हो गया। आज तो फिर वैसे भी नहीं मिलेगा, उस दिन मिल जाता तो ठीक था, बट वो रोड पर ही गिर गया था शायद मेरे ख्याल से, तो इस वजह से मैं मिल नहीं पाया। आज मुझे बन ले जाने का, इस यहाँ पर काफ़ी अच्छे बन बनते हैं, तो यहाँ से ले जाएंगे हम बन। और ये लड़की इतने दूर के लिए हमें डर लगती है, टेंशन मतलब थोड़ा सा ही काम है। तो लोहित भाई भी घर जल्दी करना है, क्योंकि पिछली बार हमें बहुत ज़्यादा देर हो गई थी, रात हो गई थी। लोहित भाई का भी घर आपको पता है कि जंगल की तरफ को है, तो दिक्कत हो जाती है गाइस। और यहाँ तो आज रोडवेज वगैरह, बाप रे दो तो रोडवेज कहाँ जा रही है भाई, निकल जाएगी क्या हमारी कम। हम तो निकाल ही लेते हैं भैया। अरे ये कौन सा है भाई, अरे बाप रे ये तो तगड़ा सी मल्लू ना ना टी यहाँ किस बात का जाम लग गया यार। यहाँ से भी जगह नहीं है, तो बड़े पे बड़े जा रहा है। ओ भगवान, जगह मिल गई, जगह मिल गई, बहुत बढ़िया हो गया है।
उसके पीछे से जगह निकल जाएगी। बहुत बढ़िया, यहाँ से मेरे को कहीं से बन बताए हैं, बन। अब बन कहाँ मिलते हैं? वो बन चाहिए, अरे बन चाहिए, बन बन। आंटी ने यहाँ कोई दुकान बताई मेरे को। हाँ आई थिंक यही है शायद। दादा बड़े वाले बन भी होंगे? कितने का पैकेट है? कितने का है? लोहित भाई ने तो यहाँ कर दिया हमारी पेटीज ऑन। भूख लगी थी क्या भाई? चलो फिर पेटीज वगैरह खाते हैं थोड़ा सा। अरे है देखो भयंकर शेर भूखा है आज। इस आंटी ने मंगाए थे बन, बन वगैरह भी ले लिया, पेटीज वगैरह भी खा ली, ठीक हो गया थोड़ा। चलो ठीक है, लोहित भाई ने बात भी नहीं खाया था और मैंने उनको एकदम फ़ोन करके बुला दिया था कि मैंने कहा फटाफट आओ ब्लॉग के लिए चल रहे हैं। तो चलो पेटीज वगैरह खा ली है, थोड़ा ठीक हो गया अब। अरे मामू तो हमारे फ़ोन चला रहे हैं आराम से। चलो कोई बात नहीं, हम निकल लेते हैं चुपचाप। गाड़ी मुझे और कुछ दिक्कत नहीं लगती, बट मेरे को दिक्कत ये लगती है इसका साइलेंसर ना मॉडिफाई वाला है, बस और कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा आवाज़ तेज करता है इसी वजह से दिक्कत है। बाकी गाड़ी के कागज़ वगैरह, लाइसेंस वगैरह, मेरे सारे के कागज़ के रहते मेरे ओके रहते हैं, बट मेरा जो फंसता है ये साइलेंसर की वजह से मेरे को डर लगती है। फिलहाल क्या कहते हैं गाइस, सारे काम हो चुके हैं और थोड़ा सा हल्का फुल्का कुछ खा भी लिया है, और आंटी ने जो काम बोला था बन वगैरह लेने के लिए वो भी मैंने ले लिए हैं, और अब कुछ नहीं करते हैं, अब सीधा चलते हैं चुपचाप। पहले चकोटिया पहुँचते हैं, आज चकोटिया में जाते हैं पहले। और मौसम आज बड़ा सही वाला हो रखा है एकदम मस्त, कहीं कहीं पर धूप आ रही, कहीं कहीं पर नियाँ आ रही, और साथ में हमारी ऑल्टो गाड़ी भी आ गई। पहले मुझे ऑल्टो गाड़ी बड़ी अजीब लगती थी, बट हमारे एक दादा के पास ऑल्टो है और जब मैं उसको चलाता हूँ तो फिर मेरे को अच्छा लगता है, तो फिर मैं इसकी अब बेसी नहीं मारता। लेकिन यार मेरे को ठंडा लग रहा है हल्का हल्का। लोहित भाई से पूछता हूँ, लोहित भाई ने तो जैकेट भी नहीं पहनी, मैंने तो चलो जैकेट भी पहन रखी है फिलहाल, और लोहित भाई ने जैकेट नहीं पहनी। चलो लोहित भाई से एक बार पूछते हैं थोड़ा सा, लोहित भाई का भी दिमाग खाते हैं। लोहित भाई ठंडा लग रहा है? ठंडा लग रहा है? तो लग रहा है यार, लग रहा है। मैं वही बात कह रहा था, देखो गाइस मैंने बोला था ना कि मौसम बड़ा सुहाना हो रहा है यहाँ, और ठंडा लग ही रहा होगा क्योंकि हल्की हल्की, जब मुझे जैकेट में हल्की हल्की लग रही है तो उन्होंने तो जैकेट भी नहीं पहनी है। चलो कोई नहीं, अब क्या कह सकते हैं। उस टाइम मैंने एकदम ही फ़ोन करा इनको तो ये अचानक ये पूरा मतलब खाना वाना खा के, आंटी जी तो डांट भी रही थी, कह रही थी बाहर खा के तो जा, बट मैंने इनसे कह दिया था, मैंने कहा नहीं मेरे को जल्दी जाना है फटाफट आओ, तो ये बात छोड़ के आए गाइस, मतलब कि लंच बना हुआ छोड़ के आए हैं हमारे साथ ब्लॉग बनाने के लिए। तो गाइस ऐसा सीन है, मैं तो एकदम तैयार हुआ, मैंने कहा कि रोहित भाई बनाना है सो बनाना है, क्योंकि ऐसे ही मेरा यूट्यूब ने एक हफ्ते चैनल रुका हुआ था, मैंने कहा नहीं अब नहीं रुकना, मैंने कहा रोहित भाई चलते हैं तो चलते हैं। मैं सोच रहा हूँ इस बस वाले से आगे निकल, सब कैमरा देख के ऐसे घूरते क्यों है यार, अभी देखना गाइस। वैसे जब मैं अपने पापा की स्कूटी लेके जाता था ना ब्लॉगिंग करने के लिए गाइस, तो इतना मतलब बढ़िया नहीं होता था, मतलब लोग बाग देखते थे कि क्या है, बट इतना ज़्यादा तगड़ा रिएक्शन नहीं आता था, बट अब तो बुलेट में लेके काफ़ी ज़्यादा अच्छा रिएक्शन आ जाता है, अब ये धन्नो है। बट अगर आप लोगों का सपोर्ट रहे तो गाइस मैं एक सुपर बाइक की तो बहुत ज़्यादा सोच रहा हूँ, बस क्या बताऊँ मैं आपको, अब मैं बता नहीं सकता अपने मन का हाल। बस यही है, बस अगर एक सुपर बाइक और आ जाती ना गाइस, फिर हमारे जो टूर होते गाइस ये वो, और बाकी तो मैं कह रहा हूँ आप लोगों को बस कमेंट करो आप कि हम यहाँ पर हैं, हम यहाँ से हैं, हम यहाँ से आपका ब्लॉग देखते, बस हम आपके पास पहुँचेंगे कैसे भी करके, कुछ भी करके हम दोनों भाई पहुँचेंगे। लोहित भाई अगर यहाँ इसमें कमेंट आए कि हम आपके ब्लॉग यहाँ से देखते हैं, यहाँ से देखते, तो लोहित भाई जाना ज़रूर है। तो गाइस बिल्कुल, तो आप लोगों के कमेंट के वजह से वही, यही तो कह रहा हूँ ना मैं, तभी कह रहा हूँ कि गाइस बस कमेंट मार के बताओ हम आपके यहाँ से ब्लॉग देखते हैं, हम आपके पास खुद ही आएंगे, बस आपके एक कमेंट के रुके हैं हम, ज़्यादा कुछ आपसे हम नहीं मांगते हैं। चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना, जिन्होंने पहले से सब्सक्राइब कर रखा है बस एक लाइक का बटन दबाना है आपको, और एक प्यारा सा कमेंट करना है। गाइस एक मैं तगड़ा सीन करने वाला हूँ, मैं मारने वाला हूँ यहाँ से कूद, और ये धचा कूद वूद नहीं मार रहा गाइस, मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुक गया क्योंकि देखो ऊपर देखो छाया है, फिर बीच में धूप और नीचे छाया, ये तिरंगा जैसा लगा मुझे, तो ये सीन देख के मुझे बड़ा मज़ेदार लगा, तो मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुक गया आप लोगों के लिए। बाकी देखो बैकग्राउंड ऐसा चल रहा है, और ये खड़ी हमारी धन्नो, ये खड़े हमारे लोहित भाई, ये है हमारी चकोटिया वाली रोड। भाई ने तो मेरे को बिल्कुल रोक दिया है कि बिल्कुल भी बम वगैरह नहीं फोड़ने पर। गाइज मैं सच्ची बता रहा हूँ, मैंने अपने आप को जैसे रोक रखा है ना, ये मैं ही जानता हूँ, मेरा मन बिल्कुल नहीं हो रहा रुकने का, मेरा मन तो कर रहा है कि पटाखा फोड़ ही दूँ,
बट लोहित भाई मेरे को मना कर रहे हैं, बट मैं तो एक जगह पे पक्का दिखाऊंगा धमाल, वो मौका देखूंगा ढंग का एकदम बढ़िया सा, और वहीं पे मैं कर दूंगा एक पटाखा। गाइस ये रोड तो इतनी भयंकर हो रही है, बाप रे ये पता नहीं यहाँ क्या बना रहे हैं। मेरे ख्याल से गाँव गाँव में पानी जाने के लिए नहर या फिर बरसात का पानी जमा ना हो उसके वजह से, और यहाँ हल्की सी भी मिस्टेक करी तो सीधा रपट गई। जो सामने व्यू देखो यार मज़ेदार है क्या ना, वो पहाड़ देखो नकली लग रहे हैं भयंकर। क्या बात है यार। वैसे ना काफ़ी मैंने देखा ना लोहित भाई काफ़ी जने इन चीज़ों के लिए तरसते हैं, बट हमें तो मिल रहा है ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सही बात है, नहीं यार होंठे मोंठे सब रुक गए रास्ते में जाते जाते यार। चलो एक धमाका कर दिया, अब नहीं करूँगा। लोहित भाई भी भड़क रहे, कह रहे मैंने मना कराया तुम्हें। अरे यार ये अंकल तो बिना हेलमेट के चला रहे हैं यार, गलत बात है यार, ये हेलमेट पहनना चाहिए, सेफ्टी है अपनी। वाओ आज हम सूखे सूखे पहुंच गए हैं चकुटिया, और आज तो चकुटिया मार्केट भी खाली खाली है क्योंकि गाइस आज है संडे और संडे के दिन क्या रहती है मार्केट ऑफ, पता नहीं क्या होगी, भीड़ भाड़ रहती है चकुटिया में। ओहो वाले भाई साहब ये तो बहुत लंबा कट मार के आ रही थी वहाँ पर। यहाँ पर मुझे एक चीज़ बड़ी मस्त लगती है, आई लव माई चकुटिया लिखा है जो ये बहुत ही प्यारा लिख रखा है। यहाँ पे दुकानें सारी बंद है आज, मार्केट बंद रहती है। अभी जब हम जा रहे थे उधर को तब तो इक्का दुक्का कुछ खुली थी, बट अब तो सभी ने बंद कर दिए। चल चुके हैं और रात वाली राइड पे, हम रात वाली राइड पे नहीं, हमको जाते जाते होगी है रात, पर खैर कोई नहीं, कभी कभी ना ये रात वाली राइड का भी मजा लेना चाहिए। वैसे रात में गाड़ी चलाने का मजा कुछ और ही है, कार होती तो फिर गाइस मैं तो फिर उसको रॉकेट ही बना देता, क्योंकि रात में क्या होता है सामने वाली गाड़ी की लाइट दिख जाती है तो उसके बाद क्या होती है हमारी स्पीड हो जाती है तेज। अब दिल्ली में क्या होता है, दिल्ली में सीधी सीधी रोड होती है, हाईवे वगैरह होता है तो उसमें सामने वाले दिख जाता है, बट यहाँ क्या होता है पहाड़ों में बैंड होते हैं तो इसमें यहाँ पे आती है राइडिंग करने का मजा रात में। हम फोड़ दूंगे ये गाली तो नहीं दोगे, फोड़ दूंगे गाली, तुमने मना करा तभी रुका बोला, फोड़ दो बता दो जल्दी, सारे सब्सक्राइबर बोल रहे एक बार तो बोलो, हाँ बोल रहे भाई यार बोल यार प्लीज। अरे यार अरे तुम्हारे ही कहाँ दुख जाते, अरे यार बम तो फोड़ूंगा, तगड़ा ही सीन हो गया है। अरे भयंकर भाई वहाँ रिएक्शन देखा आपने। वैसे गाइस मैंने बहुत ज़्यादा ध्यान दिखा, देखो अभी ये सामने से लाइट आंखों में चमका के ला रहा है, मैं एक बार लाइट नीचे करता हूँ फिर मैं इसको थोड़ा सा डिपर देता हूँ, देखो इसने अभी भी नीचे नहीं करी, और ये बहुत ज़्यादा है हमारे पहाड़ों में, इनको समझाना। और वैसे भी देखो तीन तीन एक साथ बैठ के जा रहे हैं, देखो ये भी लाइट नीचे करता है कि नहीं करता, इसको चेक करते हैं, इसको कर दी, गुड बाई गुड बाय, बहुत बढ़िया भाई जान, ट्रक वाले थोड़े समझदार होते हैं, ये वाला करेगा कि नहीं करेगा, कर दी नहीं करी, ये तो आंखों में लेके आ रहा है, बाप रे भाई। फाइनली गाइस पहुंच चुके हैं सारे काम वगैरह करा के माशी बाजार अपने घर। तो गाइस आज का ब्लॉग रखते हैं बस इतना ही गाइस, अगर आई होप वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में नई मस्ती के साथ, टेक केयर बाय बाय, लव यू गाइस। कल सुबह फिर जिम के लिए फोन करता हूँ तुम्हें, चलो ठीक है फिर, ओके कल सुबह मिलते हैं।